हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहानियाँ जब आती हैं तो बहुत क्रेज़ में आती हैं, बट उन कहानियों को कैसे घुमा दिया जाता है जिससे स्टार भी परेशान हो जाते हैं, और इसी वजह से वो कई स्टार जो हैं अपना आगे का फ्यूचर देखने के लिए शो को छोड़ देते हैं। ऐसे में मैं यहाँ बात करूँगी आपके सुरभि दास की, जो आपको नीमा जैसे शो में नज़र आई थी, जहाँ शो की कहानी कुछ दिखाई नहीं, बस लीप पे लीप देकर बेटियों की कहानी दिखानी शुरू कर दी, जहाँ नीमा की तो कोई जर्नी दिखाई नहीं, नीमा के बारे में कुछ बताया नहीं, बस नीमा ने लव मैरिज करी, बच्चे करे, ससुराल में थोड़ा दुखी हुई, बच्चों को बड़ा कर दिया और फिर एक रही ज्यादे से प्यार, बस यही कुछ था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसी के बीच में फिर जो है सुरभि दास पांड्या स्टोर में नज़र आई, जहाँ पे वो मकवाना फैमिली की बेटी थी, जो कि अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं उनके रूल से नाराज़ थी, फिर भी छोटा सा ही रोल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, जिस रोल की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कटी कटी सी रहने लगी शो से, तो इसलिए पांड्या स्टोर में से उन्होंने अपने शो को अपने आप को अलग कर लिया। इन दिनों पांड्या स्टोर काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि पांड्या स्टोर ऑफ ईयर होने वाला है 26 मई को, लास्ट एपिसोड आप देखने वाले हैं। अब ऐसे में उसी शो की एक्टर्स को हम अगर बात करें, जो मकवाना फैमिली की बेटी थी ईशा, यानी कि आपकी सुरभि दास, उनके हाथों लग गया है बड़ा प्रोजेक्ट। कहते हैं ना कि हमें जो है प्रोजेक्ट चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हमारा मेन लीड होना चाहिए, साइडवेज रोल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में बॉलीवुड की मूवी तैयार हो रही है रामायण, तो उसी रामायण में जो है मैडम नज़र आने वाली हैं, और जो है जो रामायण मूवी बन रही है वो नितेश तिवारी बना रहे हैं, तो उसमें जो है आपके रणबीर कपूर राम का रोल करते हुए नज़र आने वाले हैं, एंड साई पल्लवी वो सीता का रोल करती हुई नज़र आएंगी। तो ऐसे में सुरभि दास उसमें एक अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगी। ये काफ़ी गर्व की बात है कि जो है सुरभि दास को बॉलीवुड में बड़े पॉपुलर स्टारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनते हैं।